हेलो व्यूअर्स, मैं मुकुल पुरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकुल एक्सप्लोर अड्डा पर। आज हम जा रहे हैं तक्षई जेल म्यूजियम, जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल प्रदेश में, जिसकी स्थापना सन 1847 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की। तक्षई जेल म्यूजियम पहले एक जेल हुआ करता था, जो कि अब एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। मैं समझता हूँ ये जर्नी जो है बहुत ही मजेदार होने वाली है, और वीडियो के साथ एंड तक बने रहे ताकि आपको भी इसकी जानकारी मिल सके। तक्षई जेल म्यूजियम पुराने जमाने में अंग्रेजी सरकार का जेल हुआ करता था। इस जेल में लगभग 54 यानी 54 तिहाड़ जेल खाने हैं, जिनमें से 16 जेल खानों का उपयोग कठोर से कठोर दंड देने के लिए किया जाता था। इन जेल खानों में बहुत मुश्किल से हवा अंदर आया करती थी और किसी भी जगह से प्रकाश के अंदर आने का कोई भी साधन नहीं था। इस जेल खाने के 3 दरवाजे हैं और ये लगभग 3 फीट ही बड़ा है। जेल खाने में जगह बहुत कम होने की वजह से कैदी एक ही जगह पर खड़े होने के लिए मजबूर हो जाता था। माना जाता है कि तक्षई का नाम दाग ए शाही मतलब राजसी निशान इस नाम पर रखा गया था, कि जो भी कैदी वहां पर एंटर करेगा उसके ऊपर पहले दाग लगाया जाएगा। अपराधियों को तक्षई के इस जेल में भेजने से पहले उनके माथे पर गरम लोहे की छड़ से एक राजसी निशान दिया जाता था, जिसे दागे शाही कहते हैं, और किसी सिलसिलेवार तरीके से चलते हुए इस जगह का नाम तक्षई पड़ा। गांधी जी के हथियारे नाथूराम गोडसे को भी इस जेल में रखा गया था। माना जाता है कि गोडसे इस जेल का अंतिम कैदी था, उसके बाद जेल में कैदियों को रखना बंद कर दिया गया। जब आयरिश स्वतंत्रता सेनानियों को इस जेल में कैद किया गया, तब महात्मा गांधी एक दिन के लिए इस जेल में उनके पास रहने गए, उन्हें नैतिक समर्थन देने के लिए। गांधी जी आयरिश नेता ईमन दे वलेरा के बहुत अच्छे दोस्त थे। यह भी उन मुख्य घटनाओं में से एक है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को उजागर किया। आज हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म विभाग और उस क्षेत्र के ब्रिगेड कमांडर की मदद से इस जेल म्यूजियम को अच्छी तरह से संभाला गया है। यह अंडमान के तिहाड़ जेल के बाद भारत का दूसरा जेल म्यूजियम है। म्यूजियम के तब के जमाने की कई तस्वीरें, कलाकृतियां, तोपखाने, उपकरण और कई अन्य भारत के इतिहास से संबंधित दस्तावेज रखे हुए हैं। अपने जेल म्यूजियम की इस यात्रा में आप स्वतंत्रता से पहले वाले जमाने के इतिहास में चले जाएंगे, जहां आप करीब से जान सकते हैं उस जमाने में कैदियों को कितनी कठोर सजा और यातनाएं दी जाती थी। जेल के हर जेल खाने का ब्यौरा जेल खानों के बाहर लगे बोर्ड में उल्लिखित है। देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए किया गया संघर्ष हमारे इस जेल की यात्रा पर जाने का मुख्य कारण है, जहां पर हम अपने इतिहास को और करीब से जान सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर प्रेस कर दें, दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और हाँ, जाने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल मुकुल एक्सप्लोर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही मेरी आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।